हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 16B क्लास 6 आरएस अग्रवाल मैथ। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड द टॉपिक इज ट्राइंगल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स डज अ ट्राइंगल है। ट्राइंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? तो ट्राइंगल तो आपको पता ही है ना, ये ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें थ्री साइड्स और थ्री एंगल, ये इसके पार्ट्स या एलिमेंट्स ही बोल देते हैं। तो अब कितने होते हैं? देयर आर सिक्स पार्ट्स, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन डी और दे रखा है 9। तो आप कहीं वर्टेक्स को ऐड मत कर देना, वर्टेक्स ट्राइंगल का पार्ट नहीं माना जाता है ना, कि एक दो तीन वर्टेक्स, तीन एंगल और तीन साइड्स, ऐसे ले आओ। तो पार्ट्स में क्या आते हैं या एलिमेंट? थ्री साइड्स और थ्री एंगल। तो आंसर हुआ इसका सी पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, एंड द क्वेश्चन टू इज विच ऑफ द एंगल गिवन बिलो। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये ट्राइंगल के एंगल दे रखे हैं, है ना। इन विच केस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल, किस केस में ट्राइंगल बनेगा? तो क्या करेंगे हम, जिसमें तीनों एंगल का सम 180 हो उसी से बनेगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ए देखें, देखो 70, ये तो ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे, है ना। 70 प्लस 30 100 प्लस 60 160, तो ये तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि एंगल 180 से कम है। बी देखें, 650 प्लस 70 120 और 60 180 आ गया, तो इससे ट्राइंगल बनेगा, यही ऑप्शन होगा, और तो है नहीं। मैं आपको चेक करा देता हूँ, 40 और 80 120 और 65 185, तो ये भी नहीं बनेगा सेम, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि 72 और 28 कितने हुए, 78 80 100 190 है ना, तो 180 सिर्फ इसी में आ रहा है। तो यही एक अगर हम बनाएंगे तो ट्राइंगल बनेगा से, बाकी किसी से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इन द रेशो 2:3:4। एक ट्राइंगल है, उसके एंगल इस रेशो में दे रखे हैं, द लार्जेस्ट एंगल। तो क्या करते हैं हम, जब रेशो में दे रखा है तो मान लेंगे पहला एंगल जो है 2x डिग्री का है, दूसरा 3 दे रखा है तो 3x डिग्री, और थर्ड 4x डिग्री। वेरिएबल लगा दो तो सेम तीनों में, वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी वेरिएबल लगा सकते, एक्स वाई के ए बी, वो आपकी चॉइस है। फिर क्या, ये तीनों एंगल हो गए, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, कि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा ना। इसको ऐड करो कितना होगा, 2, 3, 5 और 4, 9, ये हो गए 9x इज 180। तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई, वैल्यू ऑफ x 20। फाइंड क्या करना था हमें, लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा ये 4 से मतलब 4x। तो क्या हो गया, लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 4 × x, x की वैल्यू 20, तो कितना गया 80 डिग्री। ये हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगर बाई चांस हो सकता है कोई सवाल हो, स्मॉलेस्ट एंगल पूछता, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, 2x, तो x वैल्यू पुट कर देते 2x × 20 = 40, और ये हो जाता 30। कभी कभी तीनों पूछ लेता कि फाइंड्स देयर मेजर्स, तो तीन एंगल क्रम से लिख देते हैं ना, एक्स की रिपोर्ट कर देते, तीनों एंगल निकलाते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक ट्राइंगल है, सपोज करो ट्राइंगल एबीसी है, इसमें कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, मान लो बी ओ सी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो, यानी कि बी प्लस सी 90 डिग्री। आप कोई से भी मान सकते हैं, यानी कि बी सी, तो हम फिगर की जरूरत नहीं, हम तो बता रहे हैं ना, क्लियर। तो पूछा क्या था, थर्ड एंगल, ऑप्शन देगा 60 डिग्री, 45 डिग्री, 36, 90 डिग्री, थर्ड एंगल क्या होगा, यानी कि ए बी और सी तो कॉम्प्लीमेंट्री, तो ए पूछा है, तो क्या होगा, देखो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रखी है, 90, तो एंगल ए कितना आ गया, 90 आ जाएगा भाई, क्योंकि जब 180 में से हम 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 को उधर ले जाएं, तो एंगल ए इज इक्वल 180 माइनस 90, 90 डिग्री। तो थर्ड एंगल जो होगा, ये फिगर नहीं है, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, थर्ड हमने मान लिया ए, तो ए होगा 90 डिग्री। तो आंसर डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोलेटेड ट्राइंगल इज 70 डिग्री। जो बेस एंगल है उनमें से एक एंगल 70 दे रखा है, 70 डिग्री। बेस एंगल का मतलब क्या होता है, जो दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना आइसोलेसिस में, ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल, तो दूसरा भी क्या होगा 70 डिग्री। तो वर्टेक्स एंगल फाइंड करना, ये शायद समझ में आ गया आप लोगों के, क्या तीनों एंगल का सम, मान लो वर्टेक्स एंगल एक्स है तो एक्स प्लस 70 प्लस 70 इज 180 डिग्री। तो एक्स प्लस 70 प्लस 70 कितना होगा 140 180 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एक्स जो कि वर्टेक्स एंगल है इसको फाइंड कर लो, 180 में से 140 सबट्रैक्ट करेंगे तो 40 डिग्री, तो वर्टेक्स एंगल की वैल्यू होगी 40 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ये तो सिंपल सा है, एक ट्राइंगल ऐसा है जिसकी तीनों लेंथ अलग अलग हैं, ये तो एग्जाम्पल कुछ भी है, तीनों अलग हैं, तो वो कौन सा कहलाता है, ऑप्शन ए आइसोलेटेड ट्राइंगल। आइसोलेटेड ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दोनों साइड इक्वल हो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी अ स्केलन ट्राइंगल, यही होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग होती हैं वो स्केलन ट्राइंगल होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, डी ऑप्शन में दे रखा था राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिस एक एंगल 90 डिग्री हो, है ना। नाउ 7, इन एन आइसोलेसिस ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट ऑन एट अ पॉइंट ओ। If angle A is equal to 40 degree, then B O C। चलिए करते हैं, इसमें दिया नहीं है, कायदे से हमें देना होना चाहिए कि आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो कौन से बेस एंगल है, ए बी सी का मतलब ये थोड़ी ना कि ए बी सी बेस हो, है ना। तो एक ट्राइंगल हमने बना लिया, इन एन आइसोलेसिस ट्राइंगल ए बी सी बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, इसका वाई सेक्टर और इसका वाई सेक्टर हमने ड्रॉ करा, ये पॉइंट मिलते हैं ए पर, ओ पर, एंगल ए, अच्छा ये दे रखा है, हाँ तो ठीक है, एंगल ए इज 40 डिग्री, देन बी ओ सी, तो हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, तो क्या होगा, ये वर्टेक्स एंगल, ये हमने बेस एंगल, आइसोलेसिस ट्रायंगल दे रहा है, तो एंगल वी और एंगल सी दोनों इक्वल होते हैं और ये इसके वाई सेक्टर है, है ना। तो एंगल वी की वैल्यू क्या होगी, लेट एंगल वी एंगल सी इक्वल टू, हमने मान लिया एक्स, तो पहले तो वैल्यू निकालें कि एंगल किसके इक्वल है। तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम, एंगल ए जो देखे हम 40 डिग्री, बी हमने एक्स मान लिया, बी सी दोनों एक्स इक्वल है, तो इन तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 2x, 180 में से 40 को हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले आए तो माइनस के 40, 2x इज इक्वल 100, सब्ट्रैक्ट करें, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट का जीरो, और एट में से फोर सब्ट्रैक्ट का फोर, वन का वन, तो एक्स में टू से डिवाइड कर दो, 140 अपॉन टू अपॉन में आ गया, टू से कैंसिल हो गया 70 टाइम, तो एक्स की वैल्यू आ गई 70, यानी कि एंगल बी बी और एंगल सी बी 70 है। ये इसका वाई सेक्टर है, वाई सेक्टर का मतलब इस एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड करो, तो ओ बी सी क्या होगा, एंगल ओबीसी इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल एक्स, एंगल ओबीसी हो गया हाफ इंटू 70, तो ये हो गया 35 डिग्री, है ना। जो ओबीसी है वही ओसीबी, क्योंकि दोनों इक्वल है और ये दोनों बाई सेक्टर है, तो ओसीबी भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 35, ये 35 है, ये भी 35 है, समझ गए, ये निकालना है, ये मैंने लिख लिया क्योंकि एमसीक्यू है, तो समझ गए तीनों एंगल का सम हम किस में लिख रहे हैं, चलिए लिख के दिखा देते हैं। तो हमने ट्राइंगल ले लिया बी ओ सी, वो कितने आए थे एंगल बेस एंगल के, भाई सर 35 35, और तीसरा एंगल क्या अच्छा, ये फिगर थी, ये पॉइंट था बी, ये ओ, ये सी, ये आया था 35, ये पूरा एंगल का बाई सेक्ट था ना, ये वाला था फिगर, ठीक है ना। तो ये निकालना है हमें एंगल बी ओ सी, ये कितना हो गया तीनों का सम 180, 35 35 70 डिग्री प्लस बी ओ सी
इज इक्वल 180 डिग्री, तो VOC आ गया 110, क्योंकि 70 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110। ऑप्शन ए, ए में दे रखा है 110, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:2:5 एंड इट्स पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। हमें एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 3:2:5 और पेरीमीटर क्या दे रखा है, तो पहले तो हम साइड्स मान लें, तो लेट, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है ना, मैं तो आपको समझाने के लिए हूँ, लेट साइड्स आर 3x 2x एंड 5x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पेरीमीटर सेंटीमीटर, और अगर मीटर में दे रखा हो तो मीटर सेंटीमीटर देखा है। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, पहली साइड्स प्लस दूसरी साइड्स प्लस तीसरी साइड्स, और तीसरी साइड्स क्या है 5x, ये इक्वल किसके दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 रख दो, 3:2:5:5:10 10x इज 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 से डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं नीचे आ गया 10, अब क्या होगा इस 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 3, ये x आ गया। इसमें पूछा है फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड्स कौन सी है, 3:2:5:5 5x सबसे बड़ा है, पूछता शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट तो 2x, लॉन्गेस्ट पूछी है तो 5x होगी, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड्स 5x और x की वैल्यू क्या है 3, तो 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए में 20 सेंटीमीटर देखा है, बी 15, तो बी आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मेजर 30 डिग्री एंड 25 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल, ये तो इजी है, एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है, दूसरा 25, थर्ड मान लिया हमने x, तीनों का सम 180, तो इन तीनों का सम किसके रखते हैं, तीनों का ऐड करके 180 के, ओके। 30 और 25 कितना होता है 55 डिग्री प्लस x इज 180 डिग्री, तो x की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ x सब्ट्रैक्ट करना है बस, बोरो लिया 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 5, 17 में से 5 गए 12, तो थर्ड एंगल होगा 125, हो सकता था ये पूछे तो फाइन नीचे पूछ लेता कि किस टाइप का एंगल है, तो थर्ड एंगल आया 125, एक्यूट एंगल है सॉरी ऑप्टूज एंगल है, तो ट्रायंगल कैसा होगा ऑप्टूज एंगल ट्रायंगल का, कभी इसको ऐसे ही पूछ सकता है लेकिन एंगल पूछा था, तो आंसर हो गया 125 डिग्री। ये हमें ऑप्शन ए 35, 45, बी सी 6, डी में दे रखा है, डी में 125, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये पूछा है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होता है 60 डिग्री है ना, अब वो हमें ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी 60 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दे रखी है, मैं आपके लिए फिगर बनाता हूं पहले, ये फिगर दे रखी है, ये ट्रायंगल होंगे है ना, हाथ से थोड़ा आड़ तिरछी लाइन आ गई है, ए बी सी, यहां एक पॉइंट है पी, ये फिगर है बस, अब मैं पढ़ता रहे फिर देखते हैं क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द पॉइंट पी, ओहो ये तो सिंपल है, पी कहां पड़ेगा ये पूछा है, ऑप्शन ए हमें गिवन है इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पी ट्राइंगल के अंदर है नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हुआ। ऑप्शन बी में गिवन है इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बाहर है नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी दे रखा है ऑन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पर है ट्राइंगल पर ही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी दे रखा है आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी,
भाई आउटसाइड और एक्सटीरियर तो एक ही बात होती है, बताने क्यों दे रखा है ना, आउटसाइड या एक्सटीरियर, आउटसाइड मतलब ट्रायंगल के बाहर या एक्सटीरियर ट्रायंगल के बाहर, एक ही बात होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चैप्टर 16 आज कंप्लीट हो गया। एक्चुअली अभी तो हमारा 13 चल रहा था है ना, लेकिन कल किसी का एग्जाम है, उसके सिलेबस में ये आ रहा है, उसने रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने 16A के दो पार्ट कल मैंने अपलोड कर दिए थे, ये 16B आज मैंने अपलोड कर दिए, जिससे कि जिसके भी कल एग्जाम है, जिनके सिलेबस में है, उनका कोई नुकसान ना हो, उनका कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह आपकी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको उसी दिन या नेक्स्ट डे में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।